अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप समोसे, पकोड़े या फिर किसी भी टाइप के भजिए के साथ बनाकर खा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये सिंपल सी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धनिया पत्ते को अच्छी तरह से धोकर रख लिया है, और ये सिर्फ पत्ते ही नहीं, इसकी जो बारीक बारीक डंडियाँ होती है उसे भी हम चटनी बनाने में यूज़ करेंगे। और 5 छोटी साइज की हरी मिर्च मैंने ली है। नमक लेंगे हम 1/4 खाने का चम्मच। लहसुन के जवे लिए मैंने 4 अदद, और 2 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया है। इसके बाद हम ये एक जार लेंगे, इसमें हम ये लहसुन के जवे डालेंगे और ये हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर हम इसमें ये नींबू का रस भी डाल देंगे। नींबू के रस से चटनी का जो कलर है वो हरा ही रहेगा। अगर हम चटनी में नींबू नहीं डालेंगे तो चटनी जो है वो हरी नहीं रहेगी, वो थोड़ी देर बाद काली पड़ जाएगी। अगर आप इसमें थोड़ा जीरा पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कच्चा जीरा नहीं ऐड करना है, भुना हुआ जीरा आपको इसमें ऐड करना होगा। तो सारी चीजें इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें जरूरत के मुताबिक पानी ऐड करके इसे मिक्सी में चलाकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है, हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे एक प्याले में निकाल रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और मज़ेदार हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।